तो एक ख़बर आई है कि जस्टिस हैं पाकिस्तान के जस्टिस अमीन और जस्टिस मुशीर आलम। अब इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान में जो है वो बैन करनी चाहिए है यूट्यूब। इन्होंने एक हिंट दिया कि क्यों ना हम पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन कर दें। पीटीए कैन नॉट रिमूव ऑब्जेक्टेबल कंटेंट बट कैन ओनली रिपोर्ट इट सेज एन ऑफिशियल इन कोर्ट। यानी जो है पीटीए रिमूव तो नहीं करेगी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, अगर यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है या कोई बंदा बना रहा है तो उसे रिपोर्ट के रिमूव नहीं करेगी, लेकिन रिपोर्ट कर देगी कोर्ट को। तो अब ये एक बात की है, कुछ सही बात भी है कुछ गलत बात भी है। बात तो ये सही है कि जो गलत चीज़ है उसको वाकई रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट बैन करना ये गलत बात है। अब ये हिंट दे रहे हैं कि जी हम बैन कर देंगे यूट्यूब। अब यूट्यूब के ऊपर कितने लेक्चर पड़े हुए हैं। अब मैं हूँ, मैंने अपनी सारी स्टडी यूट्यूब के ऊपर की, सारी यूट्यूब की जितनी यूनिवर्सिटी की स्टडी थी मैंने यूट्यूब की कि मैंने जितने कोर्स सीखे यूट्यूब से सीखे। यूट्यूब के ऊपर अब सारा तो कचरा नहीं पड़ा हुआ, लेकिन अब हमने खाई हुई है कसम कि हमने जो भी अच्छी चीज़ है, जो हमने तरक्की करने वाली चीज़ है, वो सारी बैन कर देंगे और हमने तरक्की करनी ही नहीं है। अब हमने तो इसकी कसम खाई हुई। अब आप चाहते हैं कि यूट्यूब भी बैन हो जाए। चलें टिकटॉक के ऊपर ज़्यादा कचरा है, उसे कोई बैन अगर आप करें तो बात भी बनती है। इस तरह तो टीवी लगाएं, टीवी में 24 घंटे कचरा आ रहा होता है ज़्यादातर, उसे बैन कर दें आप। लोगों की एंटरटेनमेंट ख़त्म कर दें। इतने पार्क हैं पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह, इतना मज़ा आता है, हम घरों से बाहर निकलते हैं, इतने अच्छे हालात हैं, इतने अच्छे पार्क बने हुए हैं, इंजॉय करते हैं। इनकी क्या ज़रूरत है यूट्यूब पर? क्या हम अपनी आँखें ख़राब कर रहे हैं बैठे हुए, दिमाग ख़राब कर रहे हैं? इतनी तरक्की की बाहर चीज़ें, आप जाएँ ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कौन जाता है, हमारी यूनिवर्सिटियाँ इतनी अच्छी है। वहाँ जाएँ आप सीखें, अपनी अकेडमीज़ में जाएँ, हमारे टीचर्स माशाल्लाह कोई इतने ज़बरदस्त हैं, उधर जाएँ उधर सीखें। आप क्या यूट्यूब के ऊपर आ जाते हैं लेक्चर देखने? यही तो हमारी सारी नाकामी की वजह है यूट्यूब। हम लोग बर्बाद क्यों हैं? यूट्यूब की वजह से। हमारे अखलाक अच्छे क्यों नहीं है? यूट्यूब की वजह से। हम बाकी कौमों से पीछे क्यों हैं? सॉरी, आगे आगे हम तो आगे हैं क्योंकि हमारी ज़बरदस्त तालीम है। बाकी हमारे अंदर जितनी खराबियाँ क्यों हैं? यूट्यूब की वजह से। तब यूट्यूब को बैन करना चाहिए ताकि हम जो हैं हम बहुत तरक्की करें और साथ में हमारे अखलाक भी अच्छे हो जाएं। तो भाई अब इसके ऊपर क्या बात करें कि यूट्यूब बैन हो रही है, यूट्यूब बैन हो रही है। खैर पढ़ते हैं कि आखिर बोला क्या है। ये इंग्लिश में है, उर्दू में तो आपको मैंने समझा दिया कि यूट्यूब को बैन करने का जो है बस ये हिलता रहेगा। तो यूट्यूब को बैन करने का तो बता दिया मैंने उर्दू में, यूट्यूब बैन कर रहे हैं जी। अब आखिर सारा किस्सा क्या है वो भी मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूँ। इंग्लिश अगर आपको नहीं आती तो इसका मतलब है आपने सारा टाइम यूट्यूब पे लगा के ख्वारगुज़ार हो गए। मेरी तरह जाते ज़बरदस्त यूनिवर्सिटियों में पढ़ते जिन्होंने ऑक्सफोर्ड को भी पीछे छोड़ दिया, मेरी तरह जाते पार्कों में खेलते जिस दुनिया के ज़बरदस्त पार्क है हमारे शहर कोयटा में और बाकी शहरों में, उधर जाना चाहिए था। यूट्यूब पे आप रहेंगे तो बस क्या सीखेंगे? मैंने तो ऐसी सारी डिग्रियां हासिल कर ली यूट्यूब से सीख सीख के। खैर, इस्लामाबाद द सुप्रीम कोर्ट हिंटेड एट बैनिंग यूट्यूब इन पाकिस्तान ऑन वेडनसडे वाइल हियरिंग द केस ऑफ अ मैन नेम्ड शौकत अली इन्वॉल्व इन सेक्टेरियन क्राइम। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन एंड जस्टिस मुशीर आलम वर ऑन द बेंच हियरिंग द केस। द कोर्ट ऑब्जेक्टेड द अनरेगुलेटेड कॉन्टेंट ऑन सोशल मीडिया, पार्टिकुलरली कमेंट्स रिगार्डिंग द जुडिशरी, द आर्म्ड फोर्सेज एंड द गवर्नमेंट। तो भाई आप देखें, खैर पहली बात तो ये कि हर किसी को आज़ादी आपने खुद दी है कि आप जो चाहें बोलें, फिर आप कहते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपने आज़ादी दी है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन और टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रिमार्क जस्टिस अमीन, आवर सैलरीज आर पेड फ्राम द मनी ऑफ द पीपल, दे हैव द राइट टू रेज क्वेश्चन ऑन आवर डिसीजन एंड आवर परफॉर्मेंस, ही सेड। बट द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो ग्रांट अस द राइट टू प्राइवेसी, एडेड जस्टिस अमीन। अब प्राइवेसी ये डिफाइन करेंगे। जस्टिस अमीन रिमार्क दैट फैमिली मेम्बर्स ऑफ द जुडिशियरी कम अंडर सेक्रूटिनी ऑन यूट्यूब, ही रेफर्ड टू अ डिसीजन अनाउंस यस्टरडे विच वॉज डिस्कस ऑन द प्लेटफॉर्म एंड आस्क वेदर द पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज़ PTA एंड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA हैड टेकन नोटिस ऑफ सच हैपनिंग्स ऑन द प्लेटफॉर्म।
were judges are mocked and embarrassed. A PTA official told the court that the PTA cannot remove the objectionable content but can only report it. YouTube is banned in many countries, said Justice Mushir Alam. He asked whether anyone would dare post content against the United States or the European Union on the platform. Justice Amin asked how many have been prosecuted for such crimes, while Justice Alam noted that social media is regulated through local laws in many countries. Piparal incited against the judiciary, the government and the armed forces, remarked Justice Amin. The court issued notices to the Attorney General of Pakistan and the Foreign Ministry on the matter. Pakistan's digital spaces has frequently restricted and is monitored closely through laws such as Prevention of Electronic Crimes Act 2016, as well by the federal agencies PTA and the FIA. The first half of the previous decade saw bans on different social media platforms and blocks on various websites, the three-year ban on YouTube being the most infamous for thumping the growth of digital content in the country. तो YouTube को बैन करने से कुछ भी नहीं होने वाला, हम लोग ने पीछे रह जाना है, जो हम लोग पहले बहुत पीछे और पीछे हो जाएंगे। अगर मैंने कोई गलती कर दी तो खैर है, क्योंकि मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि फ्लैश ऑन है। साथ में जहाँ तक कमेंट्स की बात है कि अगर ऐसे कमेंट्स हो रहे हैं तो जो इस तरह की वीडियो है आप क्यों उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाते कि इस तरह की वीडियोस के नीचे आप कमेंट ऑफ़ कर दें। कमेंट ऑफ़ करने का भी एक यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि अगर आप ऐसी वीडियो बनाएंगे तो उसके कमेंट ऑफ़ करने के साथ बनाएंगे, ताकि कोई बंदा अपना जो है कमेंट इस तरह का नेगेटिव ना कर सके। तो अगर आप कोई भी पैगाम कुछ भी देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। मेरा कमेंट्स बॉक्स ओपन है, और साथ में अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।